आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9। इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री में डर लगा हो तो भी अप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसमें हमें आइडेंटिटीज़ यूज़ नहीं करनी है, तो डिफ़िकल्टी लेवल ऐसे ही ख़त्म हो गया, ठीक है। एंड दिस इज़ द अप्लीकेशन। हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा उसकी अप्लीकेशंस के, हम उसको यूज़ कैसे करते हैं, तो जनरली हम उसका यूज़ करते हैं हाइट और डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने के लिए। जो भी मेट्रोलॉजिकल डिस्टेंसेस हैं, जैसे हम सन का डिस्टेंस, मून का डिस्टेंस या दूसरे प्लेनेट्स एंड सेटेलाइट्स का डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो एक्चुअली तो कोई धागा लेकर के, थ्रेड लेकर के या आपका स्केल, इंच, टेप वगैरह लेकर के तो नहीं जाता, नापने के लिए जा ही नहीं सकता, है ना, तो पॉसिबल नहीं है। तो वो सब डिस्टेंसेस हम किसकी हेल्प से मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दैट्स व्हाई दिस इज अप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। माउंट एवरेस्ट की हाइट निकालना हो, हाँ, सी की डेप्थ निकालनी हो, किसी नदी की चौड़ाई निकालनी हो, विड्थ ऑफ द रिवर निकालनी हो, ये हाइट एंड डिस्टेंसेस जहाँ भी कैलकुलेट करना है वहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। पर उसके लिए हमें क्या चाहिए वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि एक ऑब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट है, जैसे सामने आपके एफिल टावर है, आप एफिल टावर के सामने खड़े हैं और आप एफिल टावर को देख रहे हैं, ठीक है। ये आप हो, ये आपकी आँख से, इसके टॉप पे हमने एक लाइन इमेजिन की, हाँ, हमने यहाँ से एक लाइन वहाँ पर इमेजिन की कि देयर इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज़ कनेक्टिंग द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द साइट ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से कनेक्ट करने वाली लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ खड़ा होकर ऊपर देख रहे हो, या वाइस वर्सा, कोई बंदा वहाँ पर खड़ा होकर के नीचे देख रहा हो किसी पॉइंट पर, तब भी ये क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट। जो भी आँख से ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो टेढ़ी लाइन जाती है, दैट इज़ नोन एज लाइन ऑफ साइट। वो नीचे से ऊपर होगी। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट ऐसे जाएगी यूँ, और ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो लाइन ऊपर से नीचे बनेगी, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज लाइन ऑफ साइट। अब एंगल बनाना है, वी नीड टू फॉर्म एन एंगल। तो हमें एक लाइन तो मिल गई, एक लाइन और बना दें तो एंगल बन जाएगा। तो यदि हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और हम लाइन यहाँ पर बना दें, किसके पर, ये लाइन हमने कैसे बनाई, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, पैरेलल टू अर्थ, हाँ, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल। तो ये जो एंगल बना लाइन ऑफ साइट और पैरेलल लाइन के बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी हम ऊपर देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और यदि हम यही लाइन यहाँ पर बना देते तब ये एंगल जो बना, ये नीचे देख रहा है, हाँ, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, बंदा वहाँ से खड़ा होकर नीचे झांक रहा है, तब इसको क्या कहेंगे, डिप्रेशन। जब भी कोई नीचे जा रहा होता है, डिप्रेशन, हाँ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर से नीचे देखोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर देखोगे, ट्यूबलाइट को देखा, पंखे को देखा, या कोई और चीज़ आपने ऊपर लगा रखी है, बल्ब है, एसी है, समथिंग, तो वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी ऊपर जाना है एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे जाना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये बात क्लियर। तो अब देखो, ये आपकी लाइन ऑफ साइट, या ये बंदा यहाँ खड़ा होकर के पेड़ को ऑब्जर्व कर रहा है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से बन गई उसकी आँख से, जमीन के पैरेलल, और एक लाइन ऑफ साइट, वो मान लो यहाँ पर कोई चिड़िया बैठी, उसको देख रहा है, कह रहे कितनी सुंदर चिड़िया है। तो ये जो एंगल बना इन दोनों के बीच में, दिस विल बी नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो यदि आपको ये एंगल पता हो और ये डिस्टेंस पता हो, तो हम ये हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। या हमको इन तीन, आपको ट्राइंगल में देर आर थ्री साइड्स है ना, ट्राइंगल में तीन साइड है, एक, दो, तीन, ये एंगल 90 होगा, वन एंगल हैज़ टू बी राइट एंगल, ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो तो एक एंगल 90 होना ही चाहिए, जो भी चीज़ खड़ी है वो एकदम स्ट्रेट होगी, हाँ, 90 डिग्री पर। तो तीन साइड में से कोई भी एक साइड आपको पता हो और एक ये एंगल पता हो, वन साइड एंड वन एंगल, तो आपको पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, है ना, पी बाय एच, बी बाय एच वगैरह, तो पी बाय बी। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक साइड है, एक एंगल है, तो हम वैल्यूज रख के दूसरी साइड कैलकुलेट कर सकते हैं, पाइथागोरस से तीसरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के भी थर्ड साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट ऑल दिस डिस्टेंसेस एंड दिस हाइट, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आप कुतुब मीनार पे चले गए या कोई भी बिल्डिंग, तो आपने कुछ डिस्टेंसेस को ऑब्जर्व किया और हमने ये जो हमारा ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना, अभी जो एंगल बनेंगे बेटा, ये आपके वही बनेंगे जो हमने
टर्म वन में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे 30, 45, 60, अब यहाँ 0 और 90 भी हट गए, क्योंकि एंगल 0 बनेगा मतलब ऑब्जेक्ट यहीं पर है, और एंगल 90 बनेगा मतलब आप देख वहीं से खड़े होकर के रहे हो, तो वो केस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ आपकी ट्रिग्नोमेट्री में एक लेवल और कम हो गया कि एंगल्स की वैल्यू भी आपको सिर्फ कौन सी याद रखनी है, 30, 45, 60, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, दैट्स ऑल। बाकी एंगल्स हमारे लिए काम के नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा काम आएगा इस साल मतलब इस चैप्टर में टेन थीटा, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 10 45 इज़ 1 एंड 10 60 इज़ √3। अब ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न की गुंजाइश नहीं है। साइन में साइन 30 होता है हाफ, साइन 45 इज़ 1/√2 एंड साइन 60 इज़ √3/2। सिमिलरली कॉस की वैल्यू भी, कुछ क्वेश्चन में जब हमें हाइपोटेनियस दिया है, बेस निकालना है, देन यू नीड टू गो फॉर कॉस थीटा, तो कॉस की वैल्यू यहाँ पर होती है √3/2 कॉस 30, कॉस 45 इज सेम एज साइन 45 एंड कॉस 60 इज 1/2। तो आपको सिर्फ इतनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, एंगल्स की वैल्यू याद रखनी है, ओनली दिस 30, 45, 60। मेनली आपका 80% क्वेश्चन में टेन थीटा लगता है, 20% क्वेश्चन में साइन और कॉस लग जाता है एनसीईआरटी वालों में अधिकतर, अदरवाइज टेन थीटा ही यूज़ होता है। हाँ, कन्वेंशन है, हम जहाँ टेन यूज़ कर सकते हैं वहाँ कॉट भी यूज़ करते हैं, पर तरीका यही है कि टेन थीटा यूज़ किया जाए। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन वॉस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड कॉस थीटा वॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आई होप यू रिमेंबर वॉट इज़ परपेंडिकुलर और वॉट इज़ बेस, पर एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देती हूँ आपको। यदि ये एंगल थीटा है तो इस एंगल के हाइपोटेनियस, तो देखो 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस इज ऑलवेज फिक्स्ड, एंगल किसके बीच में बनता है, एंगल बेस और हाइपोटेनियस के बीच में बनता है। तो यदि एंगल यहाँ पर बना है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और यदि यही ट्राइंगल हमारा ऐसा होता कि एंगल यहाँ है तो ये बेस होता, ये परपेंडिकुलर होता, हाइपोटेनियस तो अभी भी ये होता। तो हमने यहाँ पर इंस्टेड ऑफ बेस को वहाँ पर एडजेसेंट साइड कहते हैं, परपेंडिकुलर इज नोन एज अपोजिट साइड, एंगल के अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर एंड एंगल की एडजेसेंट साइड इज बेस। एंगल हमेशा एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस के बीच में ही फॉर्म होता है। तो आप ये इसको एडजेसेंट और अपोजिट की बजाय पी भी याद रखो तो आपके फॉर्मूले बड़े आसान हो जाते हैं। तो इतनी चीज़ों की ही हमको अब ज़रूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो यदि हमको मान लो कि एंगल पता है कि ये एंगल 30 डिग्री है, और आप ये डिस्टेंस तो मेज़र कर ही सकते हो ना, आप जा करके गूगल में वॉक वाला लगा लो और डिस्टेंस नाप लो कितना है कि आप कितनी दूर खड़े हो इससे, फिर आप इस बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो कि आपका डिस्टेंस इससे 50 मीटर है और आप ये हाइट कैलकुलेट करना चाहते हो कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या है, तो अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये एंगल जिसके बीच में बना है वो बेस है और हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं गिवन है, आपके पास बेस की वैल्यू 50 है और आपको हाइट मतलब परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा यूज़ होगा, 10 का, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एंगल क्या है 30, तो 10 30, क्वेश्चन में हम क्या लिख देंगे, 10 30 इक्वल टू एच अपॉन बी ये एच इज़ नॉट हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये है, ये वाली हाइट को मैंने एच अज्यूम किया, ये मेरा बेस। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, एच हमें पता नहीं, बेस हमें पता है 50, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 50/√3। अब आपको ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर में रूट थ्री नहीं लिखते, इट शुड बी रेशनलाइज, तो हम इसको रेशनलाइज कर दें तो आंसर क्या आएगा, 50√3/3 मीटर, जो भी यूनिट थी, रेशनलाइज करेंगे रूट थ्री से मल्टीप्लाई एंड रूट थ्री से डिवाइड, तो डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, न्यूमरेटर में √3 आ जाएगा। तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग टू बी 50√3/3। अब यदि आपका जो ऑब्जर्वर है वो किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर के नीचे किसी फुटबॉल को देख रहा है, हाँ ये बच्चा यहाँ पर खड़ा होकर के नीचे फुटबॉल गिर गई उसकी, उसको देख रहा है, तो ये आपकी क्या बन गई, दिस इज लाइन ऑफ साइट, और यहाँ से हमें एक लाइन पैरेलल बनाना पड़ेगी हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये एंगल ऊपर से नीचे देख रहा है तो क्या हुआ, डिप्रेशन, दिस इज़ नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन पता हो और आपको या तो ये डिस्टेंस पता हो या ये डिस्टेंस पता हो या ये हाइट पता हो, तो हम बाकी की दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपका, जैसे आपका लाइट हाउस है, यू हैव सीन लाइट हाउस, तो
लाइट हाउस पे खड़ा होकर के कोई देख रहा है कि एक शिप आ रहा है सी में, तो ये शिप आ रहा है, तो आपने यदि यहाँ से इसको देखा तो ये रेड वाली लाइन आपकी क्या हुई, लाइन ऑफ साइट, और ये लाइन क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो एंगल बना, दिस विल बी योर एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम ये लाइट हाउस से शिप का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लाइट हाउस की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते हमें एंगल पता हो, या तो ये हाइपोटेनियस पता हो, या इन दोनों तीनों में से कोई भी एक साइड पता होना चाहिए और एक एंगल पता होना चाहिए, देन यू कैन कैलकुलेट ऑल अदर थिंग्स। हाँ, तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो आपका ये, जैसे बंदा टेलीस्कोप लगा के देख रहा है कि पैरेट बैठा है वहाँ पे बड़ा सुंदर सा, तो इसका इसके इधर से हम देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट से ये एंगल क्या बना, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये यहाँ से ऑब्जर्वेशन हो रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आपकी लाइन ऑफ साइट, तो ये एंगल जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो ये हाइट कैलकुलेट करना हो किया जा सकता है, ये डिस्टेंस निकालना हो निकाला जा सकता है, दोनों में से एक चीज़ पता हो तो दूसरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्राइंगल में तीन साइड है, एक साइड आपको पता होना चाहिए और एक एंगल होना चाहिए। यदि हम इसकी बजाय हम देखते हैं कि ये देख रहा है तोता, यहाँ से देख रहा है तो यहाँ पर हम लाइन बनाते, तब ये क्या बन जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि वो नीचे देख रहा है, वो ऊपर बैठा है नीचे देख रहा है, तब क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तब भी हमारा यहाँ से ये एंगल इधर ट्रांसफ़र हो जाता, ये एंगल इसके इक्वल आता। हाँ, क्यों, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई ना, तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। और अब क्वेश्चन सॉल्व वैसे ही होगा जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन में होता, पर ऊपर लाइन बना के नीचे ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। जैसे एक एरोप्लेन उड़ रहा है और एक शिप है, हाँ, एरोप्लेन में से बैठ करके कोई पैसेंजर नीचे देख रहा है कि ये शिप है, और ये उसका क्या हो गया, यहाँ से देखेंगे दिस इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आपका क्या बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला। और यहाँ से यदि हम एक लाइन बना दें तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ आ जाएगा, और फिर हम ये हाइट, यदि हमें पता है कि 10,000 फिट पे फ्लाई कर रहा है, तो हम ये डिस्टेंस, इससे शिप का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हमें एंगल पता है। मान लो ये एंगल 45 डिग्री होता तो 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाता, 10,000 फिट, सेम आंसर आ जाता। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड द लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑब्जेक्ट जब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन को ज्वाइन करने वाला एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, ऑब्जेक्ट है ऊपर, हाँ, ऑब्जर्वर से ऊपर, तो ये क्या हुई, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन को ज्वाइन करने वाला, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर से और हॉरिजॉन्टल लाइन को ज्वाइन करने वाला, जब ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के ऊपर हो, जिसको देख रहे हो वो चीज़ ऊपर हो, तब एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम वे में एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड द लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, डिफरेंस क्या हो गया, अब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट नीचे है, तो ये एंगल क्या बनेगा, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन। अब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हेन वी लुक एट एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड अबव अस, एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑब्जेक्ट इज एट ए एंड एंगल, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। जब हम नीचे देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अभी मैंने आपको बताया एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में ये एंगल इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये दोनों एंगल की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल। यदि आपको ये एंगल 45 दिया है तो ये एंगल भी क्या हो गया, 45। फिर हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, सॉल्व सेम वैसे ही होगा जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन में होता, पर आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन में तो सीधे सीधे हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो आपको पहले यहाँ पर एंगल बनाना पड़ेगा, और आप फिर उसको इधर ट्रांसफ़र करके सॉल्व वैसे ही करोगे, पर यदि आपने आंसर सेम आएगा, पर यदि आपने बिना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाए कर दिया तो आंसर सेम आएगा पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, मतलब ऑब्जर्वर ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऑब्जर्वर नीचे ऑब्जेक्ट ऊपर, तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी डायग्राम बनाते वक्त। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में डायग्राम के
हाफ मार्क्स होते हैं, हाफ मार्क्स मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1.5 मार्क्स फॉर मेकिंग करेक्ट डायग्राम, बाकी 1.5 फॉर द करेक्ट सॉल्यूशन। जो भी जितने भी वेटेज का क्वेश्चन है उसका हाफ वेटेज जो है वो करेक्ट डायग्राम कैरी करता है, तो डायग्राम्स का प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी गुड कि आप उसको ढंग से लिखें कि क्या है, उसको सबको डिफाइन करें। अभी हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से करना है, पर ये बात ध्यान रखना। तो अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ टावर ऑब्जर्व्स अ बॉल ऑन द ग्राउंड एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, द बॉल इज लोकेटेड 60 मीटर्स फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो बॉल है वो 60 मीटर दूर है टावर के फुट से, इसकी ज़मीन से सिर्फ 60 मीटर दूर है। एक बच्चा यहाँ ऊपर से खड़ा होकर के देख रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है उसका वो 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा, यहाँ पर। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर। अब आपको पता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो आपने उस एंगल को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये एंगल भी क्या हो गया, 30 डिग्री। अब यदि हमें हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट करनी है, मतलब ये निकालना है, तो हाइट को हमने h मान लिया, तो अब यहाँ पे कौन सा रेशो यूज़ होगा इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में दिस इज़ योर बेस एंड देट इज़ योर परपेंडिकुलर, तो आप फिर से क्या लगाएंगे, 10। तो यहाँ पर हम फिर से यूज़ कर लेंगे 10, एंगल है 30, 10 30 इक्वल टू हाइट हमें पता नहीं, बेस हमारा 60, 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और ये 60 इधर आ जाएगा, तो इंटू 60 इक्वल टू एच। अब 60 3 से कैंसिल होता है, तो 60 को 3 से कैंसिल कर दें, क्या आ जाएगा, 20, और √3 कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में, मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ। हाँ, मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे आया, जो समझ जाए वो डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि 60 √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, 3 से डिवाइड हो तो उसको डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर में रूट में वही नंबर लिख दो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 60/√3 था, रैशनलाइज करते √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड, तो वैल्यू क्या आती, 60√3/3, 3 से ये कैंसिल हुआ 20, तब आंसर क्या आया, 20√3, आंसर सेम आया, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, तो ये कंसेप्ट जब आप सीख जाओगे तो यू कैन डायरेक्टली डू दिस। रैशनलाइजेशन शो करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फाइनली आंसर लिखना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब अपन 10th में, हम 9th का नंबर सिस्टम्स नहीं पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमको रैशनलाइजेशन करना इम्पॉर्टेंट था, है ना, तो अभी हम इन इस स्टेप्स को डायरेक्टली कर सकते हैं। अब ये बच्ची ऊपर से यदि देख रही है कि हैंडपम्प के बेस को, तो ये क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट, और ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑब्जर्वर ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है, तो एंगल कौन सा बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यदि आपको बोल देते ये एंगल है 45 डिग्री, और यहाँ से हमको ये डिस्टेंस दे देते कि ये जो देख रही है ये जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर दूर है, अब आपसे पूछ लेते बताओ ये कितनी ऊंचाई पे खड़ी है, फाइंड द हाइट, यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रही है, हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग निकालने को बोल दिया। तो अब आप देखो कि सबसे पहले तो ये एंगल उधर से इधर आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये एंगल भी क्या हो गया, 45। हाँ, अब ये एंगल 45 है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो रिलेशन कौन सा लगेगा, 10 का, तो 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 45 1 होता है, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं, बेस हमें पता है 60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी क्या आ गई, 60, मतलब यदि 60 मीटर दूर था तो ये हाइट जिससे ऑब्जर्व कर रही है वो भी क्या हो गई, 60 मीटर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन, सेम कंसेप्ट, अब आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो अब 10 थीटा यूज होता है केसेस में जब हाइट या बेस फाउंड करना है, ये आप समझ ही चुके हैं, जब भी हमें इस ट्रायंगल में बेस निकालना हो या हाइट निकालना हो तो हम क्या लगाएंगे, 10, और 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 45 इज़ 1 एंड 10 60 इज़ √3। यदि हमको हाइपोटेनियस निकालना है जबकि हमें हाइट गिवन है, मतलब परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस निकालना है, या हाइपोटेनियस है परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, साइन थीटा। हाँ, तो अब हम साइन थीटा यूज़ करेंगे, और यदि हमारे पास बेस है, बेस गिवन है, तो हम कॉस थीटा यूज़ करेंगे। हाइपोटेनियस और बेस में रिलेशन निकालने की जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम कॉस यूज़ करेंगे, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम साइन यूज़ करेंगे। उसके अलावा आपका एक क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का भी है, बट अभी इस साल आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हट गया था, तो हो सकता है कि वो ना आए, तो उसमें मैं कंसेप्ट बता देती हूँ, थीटा और 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉट थीटा होती है, एंड कॉट थीटा इज़ 1/10 थीटा, दिस इज़ व्हाट
अबाउट ट्रिग्नोमेट्री जो हम यूज़ करने वाले हैं वो बस इतना ही यूज़ करने वाले हैं, इससे ज़्यादा कुछ ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगी। उसके अलावा अपन ने जो लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंसेप्ट यूज़ किया है कि स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, वो यहाँ भी एक क्वेश्चन में लगेगा। अब ये बात याद रखना, एंगल ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा, कम एंगल है मतलब डिस्टेंस ज़्यादा। आप सिंपली देखो कि यदि आप किसी को ऐसे देख रहे हो तो एंगल ज़्यादा है, डिस्टेंस कम है, और हम ऐसे देख रहे हैं आराम से, हमें गर्दन नहीं है, नॉर्मल रख के हम देख पा रहे हैं किसी चीज़ को तो हमसे दूर है, तो हमारा एंगल की वैल्यू कम होगी और डिस्टेंस एक्चुअली ज़्यादा होगा। पर यदि मैं ऊपर इसको लाइट को देखूँ तो मुझे यूँ करना पड़ रहा है तो एंगल ज़्यादा बनेगा पर डिस्टेंस कम है। तो एंगल ज़्यादा मतलब डिस्टेंस कम, डिस्टेंस ज़्यादा मतलब एंगल कम, ये बात याद रखना। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, कैम्ब्रिज कोर्ट में आया था, हाँ, अ फायर इज़ रिपोर्टेड इन अ बिल्डिंग, कि एक बिल्डिंग में आग लग गई। अब आप उस बिल्डिंग के आसपास टेलीफोन पे दो फायर स्टेशंस को खबर की गई, हाँ, ए एंड बी, 50 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ स्ट्रेट रोड, जो एक दूसरे से 50 किलोमीटर दूर है एक स्ट्रेट रोड पे। तो हमने क्या किया, एक रोड बना दी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर। एक फायर स्टेशन ए है, एक फायर स्टेशन बी है। अ फायर इन बिल्डिंग पी इज रिपोर्टेड ऑन टेलीफोन टू टू फायर स्टेशंस ए एंड बी। अब मान लो कि बिल्डिंग यहाँ पर है, ए ऑब्जर्व दैट द फायर इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द रोड एंड बी ऑब्जर्व दैट द फायर इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द रोड ए। हाँ, ए ने ऑब्जर्व किया कि फायर 60 डिग्री के एंगल पर है और बी ने ऑब्जर्व किया कि फायर 30 डिग्री के एंगल पर है। हाँ, ये कोई बिल्डिंग है पी जिसमें आग लग गई है, आपके पास दो फायर स्टेशन है और ए और बी की पोजीशन पे, जिन दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, तब आप किस फायर स्टेशन से हेल्प भेजोगे पहले, ए से या बी से? अभी आपको बताया था जिसका एंगल ज़्यादा उसका डिस्टेंस कम, तो इसका एंगल 60 डिग्री है तो ये कंपेरेटिवली पास है, तो हम इससे हेल्प भेजेंगे तो जल्दी पहुँचेगी। हाँ, बेसिक कंसेप्ट है आपका, यदि आप समझ गए तो आप कर लेंगे। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टीम ऑफ फायर स्टेशन ए, तो टीम ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो हम इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें, हमने ये डिस्टेंस x मान लिया तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 50 माइनस एक्स, और इसकी हाइट हमने h अज्यूम कर ली, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 10 60। ट्राइंगल, इस पॉइंट को हम बोलते हैं C, ट्राइंगल ए पी सी में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो 10 60 इक्वल टू h अपॉन x होगा। 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री, 10 60 इज़ रूट थ्री, और ये x इधर आ गया तो x रूट थ्री किसके इक्वल हो गया, h के, अभी वैल्यू नहीं आई है। हाँ, अब हमको दूसरे ट्राइंगल में भी लगाना पड़ेगा, इस ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल बी पी सी में भी हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो 10 30 की वैल्यू क्या होगी, h अपॉन 50 माइनस x। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h, h की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, x रूट थ्री, यहाँ से जो वैल्यू निकाली वो सब्सटीट्यूट कर दें, तो ये x रूट थ्री अपॉन 50 माइनस x होगा। तो अब हम इसको करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रूट थ्री इधर जा कर के 3 से √3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 3 × √3 × √3 3 मल्टीप्लाइड बाय x, तो 3x हो गया, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 50 माइनस x इक्वल टू 3x, तो 50 इक्वल टू माइनस x उधर जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, तो 50 की वैल्यू 4x के इक्वल हो गई, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 50/4 मतलब 12.5 किलोमीटर। किलोमीटर में ही होगा यहाँ पर तो डिस्टेंस, तो 12.5 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली फिर इसका डिस्टेंस क्या हो गया, दिस इज 12.5 किलोमीटर, तो ये क्या होगा, 50 में से 12.5 माइनस करेंगे 37.5, इसका डिस्टेंस 37.5 किलोमीटर है, इसका 12.5 किलोमीटर है, एंड आई ऑल्सो नो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाँ, बिल्डिंग की हाइट क्या हुई, h क्या आया था, x रूट थ्री, एक्स इज 12.5 मल्टीप्लाइड बाय रूट थ्री, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 12.5 टाइम्स रूट थ्री, रूट थ्री की वैल्यू दी है तो रखनी है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टीम ऑफ फायर स्टेशन ए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टीम ऑफ फायर स्टेशन बी, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, विच स्टेशन शुड सेंड इट्स टीम टू कंट्रोल द फायर, ऑब्वियसली टीम ए, विच मोरल वैल्यू कैन बी लर्न फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, मोरल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आए तो ये सब बातें।
ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट आपका हो चुका है। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या लिखा है। तो आपकी बुक में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारी बातें आप पढ़ लीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज़ होती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये जो ब्रैकेट दिया है इसमें लिखी हुई है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ नोन एज थियोडोलाइट। हाँ, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? थियोडोलाइट। डायग्राम भी देख लेना, ऐसा व्हील है उसके अंदर टेलीस्कोप टाइप चीज़ लिखी हुई है। हाँ, व्हील के अंदर टेलीस्कोप टाइप चीज़ है, ये आपका ऐसा व्हील है और इसके अंदर ऐसा टेलीस्कोप टाइप रखा है और ये भी किसी रोटेटिंग उस पर लगा है जहाँ पर एंगल्स लिखे होंगे सो दैट यू कैन मेजर, और ये किसी स्टैंड पे खड़ा है ट्राईपॉड पे। ठीक, दिस इंस्ट्रूमेंट्स नेम इज थियोडोलाइट। ये क्या है? सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग एंगल्स विथ अ रोटेटिंग टेलीस्कोप। रोटेटिंग टेलीस्कोप के साथ एंगल मेज़र करने के काम आता है। हम बोल तो रहे कि हमको एंगल पता हो, तो एंगल निकालेंगे कैसे? तो एंगल मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज थियोडोलाइट। हाँ, उसको हम क्या कहते हैं? थियोडोलाइट। तो आपको यहाँ पर अब एक और इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी कि हिमालय की हाइट, माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट क्यों है, उसकी हाइट कैसे कैलकुलेट की थी। सर्वेयर्स हैव यूज्ड ट्रिग्नोमेट्री फॉर सेंचुरीज। वन सच लार्ज सर्वेइंग प्रोजेक्ट ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ ब्रिटिश इंडिया फॉर विच द टू लार्जेस्ट एवर थियोडोलाइट्स वर बिल्ट। जिसके लिए ब्रिटिश इंडिया ने 19th सेंचुरी में बहुत बड़ा सर्वे किया था, जिसके लिए उन्होंने दो बहुत बड़े बड़े थियोडोलाइट बनवाए थे। ड्यूरिंग द सर्वे इन 1852 द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ ओवर 160 किलोमीटर। द पीक वॉज ऑब्जर्व फ्रॉम 6 डिफरेंट स्टेशन। 160 किलोमीटर के डिस्टेंस से जो माउंट एवरेस्ट का पीक है उसको 6 अलग अलग जगह से देखा गया। 160 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप सर्कल बना लो और उस पर अलग अलग पॉइंट्स पे जा करके वहीं से सबका एंगल ऑफ एलिवेशन देखा। इन 1856 दिस पीक वॉज नेम्ड आफ्टर सर जॉर्ज एवरेस्ट हु हैड कमीशन्ड एंड फर्स्ट यूज द जॉइंट थियोडोलाइट्स। जो उन्होंने जिन्होंने सबसे पहली बार थियोडोलाइट को यूज़ किया था और जिन्होंने कमीशन किया था उनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम है, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। द थियोडोलाइट्स आर नाउ इन डिस्प्ले इन द म्यूजियम ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया इन देहरादून। तो कभी जाओ घूमने तो देख कर के आना। ओके, अब आपका शुरू होता है एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल वन में हमको क्या बोल रहा है? अ टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 meters अवे फ्रॉम द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 60 degrees। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। डायग्राम यहाँ पर आपको गिवन है कि एक टावर है 60 डिग्री का एंगल है, ये आपका टावर है, ये आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है 60 degrees और ये डिस्टेंस हमें गिवन है 15 meters और हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। तो हम डायग्राम में एक्चुअली टावर नहीं बनाएंगे, हम एक ट्राइंगल ही बनाएंगे। वी विल जस्ट रिप्रेजेंट एवरी सिचुएशन विथ ट्राइंगल। तो हम इसको कुछ नेम दे दें जैसे ए बी सी। तो हम डायग्राम में क्या लिख देंगे? ए बी क्या है आपका? टावर। सी क्या है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ से आप बात उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और हमें दे रखा है कि एंगल 60 degrees है, बी सी का वैल्यू 15 है। तो अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो हमें कौन सा एंगल लगाना पड़ेगा? इसके लिए बेस ये है और ये परपेंडिकुलर है और आपको हाइट निकालनी है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, तो फिर 10 लगेगा। तो 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, या हाइट एच लिख रही हूँ मैं तो उसको एच लिख दूँ यहाँ पर, और बेस हमारा 15 है। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3। ये 15 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा, हम डायरेक्ट भी ला सकते हैं, तो ये इधर आएगा। तो एच की वैल्यू क्या हो गई? 15√3। यूनिट मीटर थी तो यहाँ भी क्या आ जाएगी? मीटर। तो हमारी हाइट क्या आ गई? 15√3 meters। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल में आपको क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रीशियन जो है उसको रिपेयर करना है एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल। इलेक्ट्रिक पोल पे जा कर के उसको एक फॉल्ट को रिपेयर करना है। कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ना तो उसको आते ना इलेक्ट्रिशियंस। पर यहाँ पर उन्होंने क्या किया, आपके एनसीईआरटी में जनरली दे यूज़ गर्ल्स। हाँ, वो हर जगह क्रिकेट में भी हो तो बैट्स वुमन लिख देते हैं, दे जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन द गर्ल्स। तो यहाँ पर भी उन्होंने इलेक्ट्रिशियन में भी एक वुमन लिख दी। एंड शी हैज़ टू
शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क. आपका ये पूरा पोल है पर उसको पोल में इस पोजीशन पे नहीं जाना है, उसको इससे थोड़ा नीचे इस पोजीशन पर जाना है जो 1.3 मीटर है. पोल के टॉप से 1.3 मीटर पोजीशन पे उसको जाना है. अब जाना है वहाँ पर तोड़ के तो जाएगी नहीं, हाँ सुपरमैन नहीं है वो, वो सीढ़ी यूज़ करेगी, लेडर. तो लेडर को ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा और लेडर की लेंथ भी उतनी होनी चाहिए ताकि वो उस हाइट तक पहुँच पाए. तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट शी शुड यूज़ विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. वो किस लेंथ की लेडर यूज़ करे कि उसको यदि हॉरिजॉन्टल पे 60 डिग्री रख ले तो वो उस पोजीशन पर पहुंच जाए. और ये भी बताओ कि इसके फुट ऑफ द, जहाँ इसका पोल का फुट है उससे ये कितनी दूर पर लैडर को रखेगी. हाँ दोनों को बातें इंपॉर्टेंट है. और यहाँ रूट थ्री की वैल्यू ध्यान दें, रूट थ्री की वैल्यू गिवन है, रूट थ्री की वैल्यू गिवन है तो सब्स्टिट्यूट भी करनी पड़ेगी. पोल की हाइट हमें क्या दी थी, पोल ऑफ हाइट 5 मीटर. तो एक्चुअली हम इसका डायग्राम जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमने इस तरह से डायग्राम बनाना है, ए बी सी डी. ये एंगल क्या होगा 90. ये आपकी क्या है, व्हाट दिस थिंग इज रिप्रेजेंटिंग, दिस इज रिप्रेजेंटिंग लेडर. तो बी सी हमारी क्या है यहाँ पर, लेडर. और हमें ए डी की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 मीटर. और हमें ए बी क्या दे रखा है, 1.3 मीटर. ये डिस्टेंस भी दे रखा है 1.3 मीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 मीटर. और हमें ये एंगल दे रखा है, एंगल 60 डिग्री, एंगल डी सी बी 60 डिग्री है. ये सब हमें गिवन है. और हमें निकालना क्या है, टू फाइंड व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक तो बी सी, लेंथ ऑफ द लेडर मतलब बी सी निकालना है, और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द लेडर मतलब डी सी. बी सी एंड डी सी, ये दो चीज़ें आपको इसमें कैलकुलेट करनी है. तो अब हम क्या करें, अब देखो आपके पास जो भी वैल्यूज़ हैं उस हिसाब से आप फोकस करो. तो सबसे पहले तो हमें बी डी निकालना पड़ेगा क्योंकि ट्राइंगल तो ये वाला है. तो 5 में से तो हम बी डी की वैल्यू निकालें, तो बी डी क्या होगा, ए डी माइनस ए बी. तो 5 माइनस 1.3 तो 0.72, 3.7 मीटर. तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, 3.7 मीटर यहाँ से यहाँ तक का. अब मुझे ये एंगल के रिस्पेक्ट में, दिस इज़ परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री एंगल, दिस इज़ परपेंडिकुलर. और हमें लेडर की लेंथ निकालनी है मतलब हाइपोटेनियस कैलकुलेट करनी है. हाँ तो हमने इसको बोल दिया एच और इसको हमने बोल दिया एक्स. तो अब एच कैलकुलेट करना है इस एंगल के रिस्पेक्ट में. तो ये परपेंडिकुलर है, वो हाइपोटेनियस है, रिलेशन कौन सा यूज़ होगा, साइन. तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. साइन की वैल्यू क्या हो गई, साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर 3.7. हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 अपॉन 2 इक्वल टू 3.7 अपॉन एच. तो एच की वैल्यू क्या हो गई, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 7.4 आ गया डिवाइडेड बाय रूट 3. अब रूट 3 की वैल्यू दी है पर ये बात तो 9th में बताई थी, आई होप याद होगी. डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, रेशनलाइज करके न्यूमरेटर में वैल्यू रखते हैं. तो हम इसको कर लेंगे 7.4 इंटू रूट 3 अपॉन में क्या हो गया 3. अब इसको रूट 3 की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 1.73. तो ये क्या हो गया, 7.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.73 डिवाइडेड बाय 3. 3 से किसी को भी डिवाइड कर दो, इसको कर दिया, 3 2 6 बचेगा 1, 3 4 12 बचेगा 2, 3 6 18. अब 173 को 246 से मल्टीप्लाई करें, 246 इंटू 173, 3 6 18 कैरी 1 73, 6 7 42 बचेगा 4, 7 4 28 और 4 32 बचेगा 3, 7 2 18 सॉरी 7 2 14 और 3 17 क्रॉस क्रॉस 6 4 2. तो ऐड करते हैं 8
3 or 2, 5, 7 or 6, 13 or 2, 15, कैरी 1, 7 और 5, 12, कैरी 1, 2, 1, 3 और 1, 4, और डेसिमल कितने प्लेस छोड़ के लगेगा, 4, तो आंसर क्या आया, 4.2558, 4.2558, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 4.26 भी कर सकते हैं, क्योंकि 8 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 5, तो वो 0 होता, ये 6 हो जाता, फिर ये भी ऐसे ही होता, तो 4.26 मीटर, दिस इज़ द लेंथ ऑफ द लैडर रिक्वायर्ड। अब सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा था फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, ये डिस्टेंस x भी कैलकुलेट करना है, तो अब हम x कैलकुलेट करना है, तो अब हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, 10, 60, इसी ट्राइंगल में अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और हमें बेस कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर 10, 60 यूज़ कर ले, तो 10, 60 इक्वल टू 3.7 अपॉन x, 10, 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री, तो रूट थ्री इक्वल टू 3.7 अपॉन x, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3.7 डिवाइडेड बाय रूट थ्री, तो अब डिवाइडेड बाय रूट थ्री है, तो फिर वही हो जाएगा 3.7 मल्टीप्लाइड बाय रूट थ्री डिवाइडेड बाय थ्री, रैशनलाइज करोगे हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट थ्री, तो न्यूमरेटर में रूट थ्री आ गया, रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज थ्री, और रूट थ्री की वैल्यू हमें दी है 1.73, तो 3.7 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाय थ्री, अब थ्री से किसी को भी कैंसिल कर दो, मैंने अच्छा उसको किसी और को किया था, चलो इसी को कर देते हैं फिर, तो 3 1 3, 3 2 6 बचेगा 1, तो आएगा 3 3 9, 1.23, 173 को 123 से मल्टीप्लाई कर दें और चार नंबर छोड़ के डेसिमल शिफ्ट कर दें, आंसर आ जाएगा 3 3 9, 17 3 51, 2 3 6, 17 2 34, डबल क्रॉस 3 7 1, 9 6 1 7, 5 4 9 3, 12 कैरी 1, 11 कैरी 1, 2, और डेसिमल चार प्लेस छोड़ के, तो 2.1279, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x की 2.1279, 7 और 9 दोनों 5 से बड़े हैं, तो इसको 1 2 को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2.13 मीटर, दिस विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल 2 कम्प्लीट हो गया, अब आगे के क्वेश्चंस हम कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पर आप ट्राई कीजिएगा, आपको आ जाएंगे, इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट। थैंक यू।